स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे कि टीचर्स की पोस्ट जो है वो कब यहाँ पर निकल के आएगी, तो यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ है कि TGT और गार्डनर की यहाँ पर जो है वैकेंसी आउट कर दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेस्ट यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर इस स्कूल्स के लिए जो है यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इकलोवा रेजिडेंटल स्कूल है ये, और यहाँ पर आपको इंडेक्स दिया गया है कि फर्स्ट नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंस, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस भी आपको इसी में यहाँ पर इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए ताकि डेली की अपडेट जो है आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो यहाँ पर आज की अपडेट आपके लिए लेके आए हैं कि TGT और हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है काफ़ी सारी वैकेंसी जो है यहाँ पर आउट की गई है। 6000 प्लस जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉर्म जो है ये ऑनलाइन कब से हो चुके हैं। 21 से फॉर्म जो है ये ऑनलाइन हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 18 को है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई किस तरह से करना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने का नंबर आपको यहाँ पर दिया जाता है 8082874110 पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपका फॉर्म जो है फिलअप करके दे देंगे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि TGT की जो एप्लीकेशन की फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 1500 और हॉस्टल वार्डन की जो है 1000 फीस रहने वाली है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा नेस्ट की वेबसाइट से। और ड्यूरेशन एग्ज़ाम जो है कितना टाइम दिया जाएगा, टीचिंग स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर 180 मिनट्स दिए जाएंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट्स यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस PDF में देखेंगे, ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं TGT में टोटल वैकेंसी कितनी है, 5660 जो है वो TGT में वैकेंसी आपको दी गई है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 वैकेंसी है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर टोटल दिया गया है 6329 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि TGT में कैटेगरी वाइज आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस के लिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि TGT थर्ड लैंग्वेज के लिए यानी कि जो लैंग्वेज रहती है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाहर के लिए है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख ले सकते हैं कैटेगरी ऑफ टीचर्स की कितनी है, फिर कौन कौन सी पोस्टें हैं, म्यूज़िक आर्ट्स, PET मेल के लिए, PET फीमेल के लिए, फिर यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल के लिए और फीमेल के लिए भी यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल सकती है। फिर अगर अब हम बात करेंगे आगे कि आप स्टूडेंट्स की सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए TGT के लिए जो है TGT के लिए जो है वो लेवल 7 की ये है पे स्केल, 44,900 से लेकर 1,42,400 से आपकी सैलरी रहने वाली है इसके अंडर। फिर अदर TGT के लिए बात की जाए फॉर म्यूज़िक आर्ट PET मेल के लिए या PET फीमेल के लिए, तो 35,400 से 1,24,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की बात की जाए, जो हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकी भी सैलरी जो है 30,000 से 92,000 के बीच बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम रहेगा। और यहाँ पर बात करते हैं आपका एग्ज़ाम किस तरह से आएगा TGT का। पहले एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंट से 30 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये हॉस्टल वार्डन के लिए है और ये आपका सिलेबस जो है ये TGT के लिए है, ठीक है। ये हॉस्टल वार्डन के लिए आपका सिलेबस है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। OMR बेस्ड शीट आएगी आपको, वहाँ से आप मतलब चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखिएगा, आपको बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको आपका आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। BA ऑनर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपका 2 साल का जो है या 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, ये आपको बताया गया है। सिंपली आपको बताया जाए यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके TGT म्यूज़िक के लिए अप्लाई करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी म्यूज़िक में BEd होनी सॉरी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, म्यूज़िक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम फिज़िकल एजुकेशन लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर मतलब टोटल आपको जो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। हॉस्टल वार्डन के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ग्रेजुएट होने चाहिए और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT का, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर जो है ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है SC ST OBC वालों को, ठीक है।
3 साल की 5 साल की छूट दी गई है यहाँ पर, ये आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बात की जाए PWD की भी, यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी को डिसेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर हमने दिया है कि 8082874110 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। फॉर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है फिलअप करके हम यहाँ पर दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही अपडेट थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है कमेंट में पूछ रहे थे कि TGT की वैकेंसी जो है या फिर ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से होंगे। तो यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है कि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो चुके थे और लास्ट डेट इसकी 18 को रहने वाली है। ठीक है, फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। मिलती है कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।